फिल्मों में, किताबों में और कहानियों में, यहाँ तक कि कई लोगों ने आंखों से देखने का भी दावा किया है। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दूसरी दुनिया के लोग, यानी कि एलियंस की। क्या एलियंस वाकई होते हैं? क्या उनकी बातें हम सुन सकते हैं? क्या दूर कहीं आकाश गंगा के बाहर भी किसी तरह की कोई दुनिया है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, लाखों सवाल हैं, जिनके जवाब तलाशने के लिए अब चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन बना ली है। नाम रखा है फास्ट, यानी कि 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। एलियंस को खोजेगा चीन का फास्ट। ब्रह्मांड की गुत्थियों को समझने के लिए चीन ने फास्ट यानी 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप बनाया है। चीन के गुइझो प्रांत के एक पहाड़ी इलाके में रविवार से दुनिया के इस सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप ने काम करना शुरू कर दिया। इस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में ग्रहों के विकास का अध्ययन किया जाएगा। दूर गैलेक्सी से आ रहे रेडियो सिग्नल्स को पकड़ना भी मुमकिन हो जाएगा। मिल्की वे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। फास्ट से पहले प्यूर्टो रिको में लगाया गया टेलीस्कोप एरिसिबो ऑब्जर्वेटरी दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। अब हमको पता चला है कि कुछ ही ग्रह तारे ऐसे हैं जिनके अगल बगल में ग्रह हैं जहां जीवन हो सकता है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हीं तारों की ओर देखेंगे, वहीं से आते हुए सिग्नल देखेंगे, और हालांकि वो पूरे रेडियो बैंड में सिग्नल लेंगे, वो यह ढूंढेंगे कि किसी भी बैंड में ज़्यादा इंटेंसिटी से सिग्नल आता है या ज़्यादा सिग्नल आता है या वो सिग्नल बदलता रहता है, इसी तरह की जैसे हमारे टेलीविजन सिग्नल बदलते रहे होंगे, तो वो करना है उनको। लेकिन चीन का फास्ट एरिसिबो ऑब्जर्वेटरी के मुकाबले 650 फीट ज्यादा बड़ा है और इसकी कुल चौड़ाई 1000 फीट ज्यादा है। चीन के इस रेडियो टेलीस्कोप का व्यास 500 मीटर है। आकार में ये 30 फुटबॉल मैदान के बराबर है। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन बनाने में चीन को करीब 5 साल लगे। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इस टेलीस्कोप को तैयार किया है और इस पर 12 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगर हम लोग बोलें कि दूसरी अगर सभ्यताएं हैं या सिविलाइजेशन है, तो हमेशा रेडियो वेव्स में हमेशा कम्युनिकेट करेंगी, तो उनको ढूंढने के लिए ये इतनी बड़ी दूरबीन बन गई है कि उसका कोई बहुत ही वीक सिग्नल अगर होगा तो वो भी हमें मिल जाएगा, तो उसके लिए ये सबसे पहला स्टेप है। इस टेलीस्कोप की बड़ी खासियत ये होगी कि ये अरबों प्रकाश वर्ष पहले ब्रह्मांड में पैदा हुए किसी प्रकार के रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका धरती वासियों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एलियंस को लेकर काफी पहले चेतावनी दी थी। हॉकिंग का कहना था कि अगर एलियन की तकनीक हमारी धरती से ज्यादा विकसित हुई तो हालात काफी गंभीर भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।